मरने के बाद भी खुशनसीब है ये लोग, इनके कंकाल पर लदे रहते हैं करोड़ों के गहने। इस दुनिया में आप और हम इतने तो खुशनसीब नहीं है कि हर वक्त बेशकीमती ज्वेलरी पहने, पर आज हम आपको इस दुनिया के कुछ ऐसे इंसानों के बारे में बताने वाले हैं जो मरने के बाद भी बेहद ही खुशनसीब इंसान होंगे, क्योंकि इनके मरने के बाद भी इनका पूरा शरीर बेहद ही ज्यादा महंगी ज्वेलरी से सजाया गया था। आपको बता दें कि साल 1578 के दौरान रोम की सड़क के नीचे कुछ ऐसी रहस्यमय कब्रों की खोज हुई थी और इस दौरान उस कब्रों में से कंकालों को बाहर निकाला गया था। इस कंकालों को बाहर निकला तो सब इनको देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जिंदा लोग गहने पहनते हैं पर यहां पर तो मुर्दों ने भी गहने पहन रखे थे। तो चलिए आगे जानते हैं कि यह कंकालों ने क्यों करोड़ों के गहने पहन रखे थे। कुछ कहानियों के मुताबिक यह कब्र उन लोगों की थी जो लोग अपनी बहादुरी और ईसाई धर्म की अटूट मान्यताओं और समर्थन की वजह से संत बन गए थे, इसीलिए इन कब्रों और कंकालों को द कैटाकॉम्ब संत कहा गया। वैसे आपको बता दें कि इन संतों के कंकालों को पूरे यूरोप में बांटा गया था और उन्हें अलग अलग चर्चों में भेजा गया। जब बाद में सुधारवादी आंदोलन के दौरान पवित्र चीजों को नुकसान पहुंचाया गया और कीमती चीजों को चोरी कर लिया गया, तो यूरोपियन चर्चों में इन कंकालों को कीमती जेवरात और कपड़ों से लाद कर रख दिया गया। बाद में इनके जरिए लोगों को यह संदेश दिया गया कि पैसा और अमीरी मौत के बाद भी उनका इंतजार करती है। तो इस वजह से वहां पर खोज के दौरान कंकालों पर करोड़ों के गहने लदे मिले।